नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक आईटी दिग्गज स्टॉक विप्रो के स्टॉक के बारे में, जहां पे आज एक शानदार तेजी बनती हुई दिख रही है। लगभग 4.5% का उछाल है और स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट जो है आज के दिन होता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम शानदार होते हुए दिख रहा है और कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है 600 रुपए के पार जाने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो सारे दिग्गज स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी और अब विप्रो भी जो है वो तेजी को फॉलो अप करता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। क्वार्टर थ्री के जब से नतीजे आए उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक में एक जबरदस्त रिरेटिंग देखने मिली है, रिवाइवल देखने मिला है। आज के दिन की बात करें तो 521 रुपए के आसपास का दिन का लो था और अगर आप देख रहे हैं अभी 543 रुपए 60 पैसे का हाई लगता हुआ दिखाई दिया है। बाजार अभी बंद होने में 1 घंटा बाकी है, लगभग देखना होगा कि क्या ये 550 की तरफ आज ही इंट्राडे में जाता हुआ दिखाई देगा या नहीं। लेकिन आज यहाँ नया 52 वीक हाई लगता हुआ दिखाई दिया है 543 रुपए का। इसका लाइफ हाई अगर आप देखेंगे 730-740 की रेंज में कुछ है, तो वहां से एक बड़ा डीप करेक्शन यहाँ देखने मिला था। स्टॉक ऑलमोस्ट 50% तक करेक्ट होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन निचले लेवल से अब यहाँ एक अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है। तो क्या अभी भी खरीदारी का मौका है या फिर यहाँ पे थोड़ा संभलना चाहिए, पूरा चीज समझने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें आज के दिन के वॉल्यूम लगभग 1 करोड़ 25 लाख शेयर के आसपास के हो चुके हैं और अभी और वॉल्यूम होना बाकी है। सुबह से स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन में था लेकिन सेकेंड हाफ में यहाँ पे एक अच्छी रैली बनती हुई दिखाई दी और यहाँ जबरदस्त ब्रेकआउट होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इस कंपनी के अगर आप वैल्यूएशन देखें तो आईटी सेक्टर में सबसे कम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, कहीं ना कहीं डिस्काउंट थोड़ा रहता है बाकी कंपनियों के मुकाबले। 2,84,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर ईपीएस देख रहे हैं तो 21.6 के आसपास की और 25 के पीई पे चलता हुआ दिख रहा है, जहां बाकी आईटी सेक्टर जो है जो थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। प्राइस टू बुक में भी देखें 3.66 की प्राइस टू बुक है, सेक्टर पी ऑलमोस्ट 37-38 का है, तो उसके मुकाबले ये स्टॉक हमेशा थोड़ा डिस्काउंट पे ट्रेड करता है। लेकिन अब यहाँ पे जिस तरीके का मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स को आपको यहाँ पे नजर में रखना चाहिए। पिछले 2-3 सालों से आईटी इंडेक्स में एक अच्छी तेजी देखने मिल रही थी और आईटी स्टॉक भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला और उसके बाद अब फिर से एक रैली बन रही है। रेवेन्यू 90,000 करोड़ के आसपास का था 2023 के फाइनेंशियल ईयर में अगर बात करें, लेकिन क्वार्टरली अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं नंबर्स को तो पिछले 3-4 क्वार्टर से रेवेन्यू धीरे धीरे करके सही, लेकिन स्लाइड थोड़ा सा निगेटिव साइड पर जाना हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको यहाँ पे साल दर साल धीरे धीरे करके गिरावट देखने को मिल रही है। दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट जो था 2700 करोड़ के आसपास का देखने को मिला था इस बार, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 2670 करोड़ से थोड़ा बढ़ा था, लेकिन साल दर साल देखें तो 3062 करोड़ से 2700 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया था, गिरावट थी। लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन से जो नंबर था वो अच्छा था और हमने देखा था एक बड़ा गैप अप हुआ था। विप्रो के एडीआर में भी 16-17% की तेजी हुई थी उस दिन और उसके बाद स्टॉक इंडिया में जब खुला था तो बड़े गैप अप के साथ खुलता हुआ दिखाई दिया था, कहने के सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था अपर सर्किट, तो अब वो जो है कंटिन्यू होता हुआ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। स्टॉक की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में इस स्टॉक ने बॉटम आउट किया था 380 रुपए के आसपास और उसके बाद जैसे ही स्टॉक ने 200 दिन के ईएमए के पार निकला, सारे मूविंग एवरेजेस जो शॉर्ट टर्म के हैं उसने 200 ईएमए को पार किया और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके का एक बुलिश मोमेंटम जो है वो आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब नतीजे आए थे तो यहाँ आपको उसका रिएक्शन देखने मिला था 15 जनवरी के दिन, स्टॉक ने उस दिन 529 का हाई लगाया था, हालांकि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली क्योंकि एक बड़ा गैप अप हुआ था तो चार्ट्स पे एक बड़ा गैप बचा हुआ था, वो गैप भी ऑलमोस्ट अगले 8-10 दिनों में यहाँ पे फिल हो चुका था और उसके बाद जैसे ही वहां पे आपको सपोर्ट देखने मिला 470 के आसपास, स्टॉक में फिर से एक रिवाइवल देखने मिला और आज के दिन अगर हम बात कर रहे हैं तो 529 रुपए का जो पीक लगता हुआ दिखाई दिया था रिजल्ट के दिन, वो आज फाइनली पार होता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस वॉल्यूम के साथ पार हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे कहे जाएंगे, क्योंकि आज कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट भी आ रहा है, शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है, फ्रेश बाइंग जो है वो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में होती हुई दिख रही है। तो स्टॉक लगातार हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन अब बनाता हुआ दिख रहा है, जब कभी भी यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आ रहा है और उसका जैसे ही वो अपने पुराने हाई को काट रहा है तो एक नया ब्रेकआउट यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है और हर जो रेजिस्टेंस को ये पार कर रहा है वो अगला सपोर्ट इस स्टॉक के लिए बनता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो पैटर्न जो है इस स्टॉक का बहुत ही शानदार है, अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में अगर आप देख रहे हैं तो जो इसके लिए टारगेट आता हुआ दिखाई दे रहा है वो नियर टर्म में कहीं ना कहीं 600-610 रुपए के आसपास का देखने को मिल सकता है, आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं, क्योंकि जो करेक्शन था वो कहीं ना कहीं इसी रेंज से जो था वो चालू होता हुआ दिखाई दिया था।
तो आपको इस रेंज में आपको एक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये स्टॉक जिस स्पीड में गिरा था उसी स्पीड में चलता है तो कहीं ना कहीं अगला टारगेट जो है 600 रुपए से पहले नहीं रुकता ये स्टॉक। अब यहाँ से 50-60 रुपए की और तेजी ने कहीं ना कहीं एक बार के लिए 10-12% का रिटर्न यहाँ से और आपको मिलता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अब यहाँ जिस तरीके की निचले लेवल से तेजी हुई 380 से स्टॉक बढ़ के 540 तक आ चुका है। तो कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम तेजी थी वो यहाँ पे देखने को मिल चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से तेजी नहीं हो सकती, क्योंकि इस स्टॉक का अगर लाइफ हाई देखेंगे लगभग लगभग जो इसको 2022 की शुरुआत में लगता हुआ दिखाई दिया था 725-730 की रेंज में था, तो वहां तक अगर जाता है तो यहाँ से भी अच्छा खासा रिटर्न जो है वो बनता हुआ दिखाई सकता है। लेकिन समय देना होगा, ऐसा नहीं है एक ही दिन में सब कुछ आ जाएगा या यहाँ पे कुछ ही दिनों में आपको फटाफट तेजी हो जाएगी। समय देंगे डेफिनेटली आपको वो लेवल भी कभी ना कभी देखने मिलेंगे, चाहे वो 2 महीने में आए, चाहे 6 महीने में आए, चाहे फिर साल भर में आए या 2 साल में आए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है उतना फेवरेबल नहीं है जितना पहले था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो कि कहीं ना कहीं आप समझ के चल सकते हैं आज के दिन का लो, उसके नीचे अगर लगा के चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे तेजी राइड कर सकते हो। अगर आपकी कोई पोजिशन है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अपनी पोजिशन होल्ड कर सकते हैं, 600 रुपए तक के टारगेट जो है नियर टर्म में कहीं ना कहीं देखने मिल सकते हैं। RSI पे भी अगर आप देख रहे हैं तो 77 का लेवल जो है RSI पे देखने मिल रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन में स्टॉक आ रहा है और मोमेंटम जो है वो कहीं ना कहीं इस स्टॉक पे अब जबरदस्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सारे स्टॉक जो है लगभग हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। TCS ने अपना नया हाई लगाया, टेक महिंद्रा ने जो है वो थोड़ा बचा हुआ है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो, और TCS का स्टॉक हाई लगाता दिखाई दिया, HCL टेक ने हाई लगाया, इंफोसिस में भी एक अच्छा मोमेंटम बना है और बाकी छोटे मझोले जितने IT सेक्टर के स्टॉक है उनमें भी एक शानदार तेजी जो है बनी है। और पिछले 3-4 महीनों में अगर आप देख रहे हैं तो निफ्टी को लिफ्टअप करने का जो काम है वाइट इंडेक्स ने किया, लगभग लगभग 30% के आसपास तक का उछाल है इंडेक्स में और स्टॉक्स में कहीं ना कहीं पिछले 3-4 महीने में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी तेजी जो हैवी वेट होने के बावजूद यहाँ पे आती हुई दिखाई दी है, तो थोड़ा यहाँ पे संभल के चलने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई करेक्शन आता है तो डेफिनेटली स्टॉक को ऐड किया जा सकता है। अच्छा सपोर्ट लेवल वो होगा कि 500 रुपए के अगर ये आसपास कहीं मिलता है 450 की रेंज में, तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अगर आप देख रहे हैं तो कोई भी करेक्शन आए तो पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नीचे सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।